हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल सा डिश। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज टमाटर का सैंडविच, जो कि हमारे घरों में हमारी मम्मियाँ अक्सर बनाया करती हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, उसके लिए हमने लिया है, यहाँ पे 4 ब्रेड लिया है, यहाँ पे हमने हाफ ऑनियन लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, यहाँ पे हमने कुकम्बर का छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, यहाँ पे एक टमाटर हमने लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और ब्रेड को सेकने के लिए यहाँ पे हमने देसी घी लिया है, और यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और हमारे थोड़ी सी धनिया की कुछ पत्तियां हैं, यहाँ पे हमने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, यहाँ पे हमने चाट मसाला लिया है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये कुकम्बर जो है हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, इसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। एक टमाटर है जिसको बारीक चॉप कर लिया, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हरी धनिया और 2 हरी मिर्च लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और टेस्ट के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे नमक यूज कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून, और यहाँ पे हम 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला यूज कर रहे हैं जिससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर नींबू का रस 1/2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा। फ्रेंड, हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। अब हम ब्रेड के अंदर इसे स्टफ करेंगे। फिर इतनी स्टफिंग से हम 4 सैंडविच बना लेंगे। हम यहाँ पे ब्रेड पे कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने उस तरीके से बना रहे हैं फ्रेंड, जैसे हमारी मम्मी लोग बचपन में हमें बना करके खिलाया करती थी, उस तरीके से आज हम ये सैंडविच बना रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड, हम अपने सारे ब्रेड को स्टफ कर लेंगे। फ्रेंड, ये सिंपल सी डिश है, जब भी भूख लगती है आप फटाफट किचन में जाइए, इतना सामान तो हमारे किचन में हमेशा रहता है कि हम इसे फटाफट बना करके खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब सेकना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सैंडविच मेकर का यूज हम नहीं कर रहे हैं, हम तवे का यूज कर रहे हैं, और बटर की जगह यहाँ पे हम देसी घी का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अक्सर हमारी मम्मी लोग हमें बटर की जगह देसी घी से ही सैंडविच बना करके खिलाया करती हैं एक बचपन में, वही आज मैं इस डिश को बना रही हूँ। इसे अच्छे से सेक लेंगे हम, ऊपर से भी हम घी लगा दे रहे हैं अच्छे से। दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। फिर इसे दबा दबा करके क्रिस्पी होने तक इसे हम सेक लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड, कितना इसका अच्छा कलर आ गया है। ये हमारा सैंडविच कितना क्रिस्पी हो गया है फ्रेंड। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड, कितना क्रिस्पी है। चलिए फ्रेंड, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड, इसको हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। देखिए हमारा सैंडविच बनके। ये रेडी हो चुका है, इसे एक प्लेट में हम रख लेते हैं, इसे हम कट कर लेते हैं 2 टुकड़ों में।
फ्रेंड हमारा सैंडविच देखिए बनके रेडी हो चुका है। फ्रेंड हमारा सैंडविच बनके रेडी हो चुका है, आप इसे एंजॉय कीजिए चाय के साथ में। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।